दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। चीन के एक पैसेंजर जेट की तब इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी जब अचानक कॉकपिट की खिड़की टूट गई। खिड़की टूटने से दो लोग जख्मी भी हो गए। ये हादसा उस वक्त हुआ जब प्लेन 32,000 फीट की ऊंचाई पर था। प्लेन में हर तरफ अफरा तफरी मच गई थी। हालत ये हुई कि कोपायलट का आधा शरीर खिड़की के बाहर हवा में लटक रहा था, जिसकी वजह से उसे काफी चोट भी आई है। सिचुआन एयरलाइंस का ये प्लेन 3U8633 चोंगकिंग से ल्हासा जा रहा था। करीब एक घंटे बाद जब प्लेन चेंगडू के ऊपर पहुंचा, तभी इसकी एक खिड़की टूट गई। कैप्टन लियू चुआन जियान के मुताबिक इस हादसे के चलते प्लेन का कोपायलट खिड़की से करीब करीब बाहर की ओर आधा लटक गया था। उन्होंने बताया कि खिड़की टूटने से प्लेन के अंदर प्रेशर में अचानक बदलाव आने से कोपायलट की ये हालत हुई। सेफ्टी बेल्ट के चलते उसकी जान बच पाई।